दो दोस्तों का एक परिवार होता है। एक परिवार में माता पिता और एक लड़का, और दूसरे परिवार में माता पिता और एक लड़की। दोनों परिवार के रिश्ते इतने अच्छे होते हैं, इतनी गहरी दोस्ती होती है कि ऐसा लगता है कि जिसे सदियों पुरानी लोगों का दोस्ती हो, आगे सदियों सदियों तक ये चलेगा भी। इतनी गहरी दोस्ती होता है, कोई भी पर्व त्यौहार होता था दोनों परिवार साथ ही मनाते थे। ये परिवार होता है उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले के बगल में एक गाँव पड़ता है नौसर, वहीं का ये दोनों परिवार होता है। लेकिन साथियों, समय के साथ इन परिवारों के जब बच्चे दोनों जवान होते हैं, जवानी के दहलीज पर कदम रखता है, लड़का भी जवान लड़की भी जवान, तो 15-16 साल की उम्र जो होता है, तो बच्चों के साथ ऐसा कुछ हो जाता है जिससे पूरी दोस्ती टूट जाता है, पूरा परिवार जो है एकदम घबरा जाता है, परेशान हो जाता है। ये कहानी अपने आप में बहुत बड़ी है, पूरी कहानी समझते हैं इस वीडियो के भीतर। लेकिन आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस तरह के हमें हौसला मिलता रहे। बात होता है 14 अगस्त 2023 की शाम हो रही होती है, मुंबई के भीतर पनवेल में एक हॉस्पिटल बन रहा था नया नया। उसी हॉस्पिटल के आसपास एक कार आकर के रुकती है। कार से एक करीब 28-30 साल की एक खूबसूरत लड़की जिसका नाम होता है डॉक्टर सोनाली, वो कार से उतरती है। ठेकेदार दौड़ करके मैडम के पास जाता है, अदब से नमस्ते करता है। उसके बाद जो है सो अस्पताल के कामों के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करने लगता है। शाम हो जाती है, 14 अगस्त का दिन होता है, अगले दिन छुट्टी का दिन होता है। तो मैडम जब भी आती थी उस अस्पताल के ऊपर, तो जितने भी मजदूर काम करने वाले होते थे उनको कुछ ना कुछ पैसे दे दिया करती थी, कुछ कुछ खाने के लिए दिया करती, तो सारे मैडम खुश हो जाते हैं कि मैडम कुछ ना कुछ देगी। तो मैडम होता भी ऐसा ही है, मैडम सारे मजदूर को बुलाते हैं, कुछ पैसे दिए, कुछ खाने पीने के सामान दिए, उसको हिदायत भी दे रहे थे कि मुंबई के मच्छरों से बचना, तमाम बीमारियाँ वायरल हो रही है बरसात के मौसम में, उस सबसे सावधान रहना। कोई जवाब में कहता है, कोई दीदी, कोई कहता है मैडम जी मैडम, जो बुजुर्ग होता कहता है ठीक जी बेटा। लेकिन सारे के सारे मजदूर वहां पे जब आते हैं, एक मजदूर जो होता है वो सीमेंट और गहरे के बर्तन धो रहा होता है, वो काम खत्म होने के बाद वो वहां पे नहीं आता। तो मैडम उसको बार बार देखती रहती है कि डॉक्टर सोनाली जो होती है काफी गौर से उसकी तरफ देखती है। एक लेबर से कहता है कि उनको भी बुलाइए, वो क्यों नहीं आ रहा है। वो जाता कहता है कि अरे यार मैडम पैसे देती है, तुझे नहीं पता है, चलो वहां। तो लेबर जिसका नाम होता बबलू, वो कहता है यार मुझे नहीं चाहिए पैसे, तू जा करके ले ले। तो आता है कहता है दीदी वो आ नहीं रहा है, उसकी कुछ तबीयत खराब है, काम उसका तो कुछ ज्यादा है, था पैसा मुझे दे दो, मैं उसको दे दूंगा। मैडम कुछ ऐसा ही करती है, लेकिन बार बार उस लेबर को गौर से मैडम बार बार जब जब आती थी देखती थी। उसके पास से जब वो जाती है तो लेबर छुप जाया करता था उस अस्पताल के भीतर, पता नहीं किस कोने में वो छिपा करता था। और उसके बाद जो है लोग कहते हैं कहाँ गया, उसको ढूंढते खोजते थे। लेकिन फिर शाम हो जाती है, गहरी जब शाम ढल जाती है, सब लोग अपने अपने ठिकाने पर जाकर बैठ जाते हैं, मैडम अपने ठिकाने पे, सारे लोग अपने अपने जगह पे हो जाते हैं। और बबलू जो होता है वो पनवेल के ही करीब 5-6 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है अजीवली, वहां पे एक मकान किराए का मकान लेकर के रखा था, वो वहां पे रहा करता था अपने कमरे के ऊपर। अब वहां पर वो जाने के बाद जो है वो उसकी तबीयत काफी खराब रहती थी, तो वो कमरे के भीतर जाता, कभी कुछ बनाने खाने की हिम्मत नहीं रहता, तो वो गिलास में पानी डाल देता, उसमें आटा डाल देता, थोड़ा नमक डालता, उसको घोल घाल के और उसको पी जाया करता। अक्सर वो आटा ही पी करके इतना दिन गुजारा करता था, आटा पी करके चटाई पे अपने कमरे में बैठा होता, लेटा होता है। अब सर झुकाए, 12 साल पहले की कहानी में घूम हो जाता है, सारे दृश्य उस सामने होता है, सारे दृश्य उनके सामने, तो फ्लैशबैक में 12 साल पहले चला जाता है। अब जैसे हम पहले के दो परिवार थे, जो दो परिवार में जो लड़का होता है ना वो यही बबलू होता है, और जो लड़की होती है ना दूसरे परिवार की वो यही डॉक्टर सोनाली होती है जो उस समय थी। तो साथियों, जो दोनों परिवार वाले जी थे, दोनों में दोस्ती काफी गहरी होती है, तो बच्चों में भी काफी गहरी दोस्ती होती है। दोनों साथ में पढ़ाई करते, एक ही क्लास में पढ़ाई करते थे, साथ में उठते बैठते खेलते कूदते। जो बबलू के पिताजी होते हैं उनका नाम होता है रामदयाल, और जो इसके पिताजी होते हैं सोनाली, डॉक्टर सोनाली का, उसका नाम होता है दीनानाथ। इन दोनों परिवारों में काफी अच्छी दोस्ती होती थी। अब कोई बात फर्क नहीं था, कोई अंतर नहीं होता था, एक ही अंतर होता है कि जिस क्लास में सोनाली फर्स्ट क्लास आती थी उसी क्लास के भीतर जो बबलू होता था एकदम लास्ट में यानी पास करता था। सोनाली जितनी पढ़ने लिखने में तेज होती है, जितनी होशियार होती है, ये जो बबलू होता है पढ़ने लिखने में उतना ही भोतू होता है। तो ऐसे ऐसे समय धीरे धीरे बीतता जाता है इन लोगों का। 10वीं क्लास का एग्जाम आता है, बबलू भी किसी तरह से पास कर जाता है 10वीं का एग्जाम। लेकिन जो डॉक्टर सोनाली होती है वो पूरी स्कूल टॉप करती है 10वीं में, बहुत बड़ी स्कूल में भी पढ़ा करती थी गोरखपुर के भीतर, उनका नाम हो जाता है। उसके बाद जब रिजल्ट उसका आता है, जब पास करती है टॉप करती है, जो दीनानाथ होते हैं सोनाली के पिताजी, वो सोचते हैं कि ये जो बबलू जो है इससे अगर सोनाली को अलग नहीं किया गया तो शायद अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, जवान हो रहे हैं,
तो शायद इसकी कुछ परछाई इसको न लग जाए। अब दीनानाथ जो है इस समस्या जो बबलू के पिताजी जो होते हैं रामदयाल के पास जाते हैं और जाकर कहते हैं, दोस्त एक बात है, सोनाली पढ़ने में काफी तेज है लेकिन बबलू का पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि इन दोनों का स्कूल अलग करवा देते हैं। तो जब ये बात सुनते हैं तो बबलू के पिताजी तो कहते हैं, यार दोस्त तुम ठीक ही कह रहे हो, अगर ये बबलू रहेगा, नालायक है, उसके साथ आता जाता है, तो ऐसा ना हो कि जो सोनाली की पढ़ाई है वो थोड़ी उसमें दिक्कतें हो, डिस्टर्ब हो, या फिर उसमें कोई रुकावटें आ जाए, व्यवधान आ जाए। इसलिए दोनों ने दोस्त मिल करके बबलू का एडमिशन किसी और दूसरे स्कूल में करवा देते हैं। अब इधर सोनाली पूरी जी जान से अपनी पढ़ाई में जुटी होती है, पहले की तरह जिस स्कूल में वो टॉप कर रही थी उसी स्कूल में वो होती है और बबलू का एडमिशन दूसरे स्कूल में हो जाता है। लेकिन सोनाली जो है काफी ठीक ठाक वैसे ही पढ़ा करती थी, मेहनत करती थी, और बबलू जो है सो और धीरे धीरे नालायक हो जाता है। अक्सर जो है स्कूल बंक करता था, भाग जाता था, कभी पार्क में घूमने, कभी क्रिकेट खेलने, कभी सिनेमा देखने, गोरखपुर में बहुत सारे सिनेमा घर हैं उसमें वो चला जाया करता था। तो सोनाली से आकर कहता कि मैंने फिल्म देखा, काफी बड़ा मजा आया। तो सोनाली कहती, यही सब कुछ करना तुम, यही सब तुम नालायकी किया करो, और अंकल आंटी इतने तुम्हारे लिए परेशान है, इतने पैसे लगाते हैं, तुम्हारे पीछे खर्च करते हैं, लेकिन तुमको थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता, यही सब करने के लिए हो, आगे जब ठोकर खाओगे तब तुमको पता चलेगा। कहता है, यार पढ़ाई लिखाई मेरे बस की बात करने, कैसे नहीं तुम इतना पढ़ लेती हो मुझे पता ही नहीं, लेकिन मैं फिल्म वगैरह देखता हूँ, काफी मजा आता है, तो तुम भी कभी देखा वका कर फिल्म। सोनाली कहती, हाँ मेरा भी कभी कभी मन करता है सिनेमा देखने का, लेकिन देखो तो कैसे करूं। तो कहता है कि एक दिन स्कूल के बहाने आ, छुट्टी मार और चल करके दोनों देखते हैं। तो कहीं ना ना मैं छुट्टी नहीं मारूंगी स्कूल से, तो फिर कहा चलो संडे को चलते हैं। तो कहा हाँ संडे को, वैसे भी पापा जो है वो तुमसे दूर रहने के लिए कहते हैं, अगर सुन पाएंगे तो मार करके भर्ता बना देंगे हम दोनों का। चलो एक अच्छा काम करती हूँ, कल मेरा एक टेस्ट है, टेस्ट में वैसे भी मैं 20 में 20 पूरे 20 के नंबर आते हैं, तो कल कोई खास पढ़ाई नहीं है, ऐसे सिर्फ टेस्ट होगा, तो कल मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, कल का तुम इंतजाम करो, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ सिनेमा देखने। अगले दिन दोनों जो है जो पिक्चर देखने के लिए चले जाते हैं, दोनों को काफ़ी अच्छा आनंद आता है, फिल्म देखना किसको भी नहीं अच्छा लगेगा। अब दोनों फिल्म देख करके आते हैं, खाते पीते हैं, छुट्टी का टाइम पे अपने घर लौट जाते हैं। अब ये जो सिलसिला जो शुरुआत होती है वो हर महीने जो है वो एक न एक दिन फिल्म दोनों जरूर साथ में देख लेते थे, फिल्म नहीं देखते तो कहीं और घूमने चले जाते। इस प्रकार से 11वीं निकल जाता है, 12वीं का टाइम आ जाता है, सोनाली कुछ ना कुछ बहाना बना लेती, महीने में एक दिन उसके साथ बंक मार के चली जाती। बबलू के पास तो पूरा टाइम ही टाइम होता है। एक दिन दोनों कहीं घूमने गए थे, एक होटल में बैठे होते हैं, एक प्राइवेट जगह होता है, सबको मालूम है, एक कोना होता है, धीमी धीमी लाइट जलता है, उसी पे वो बैठ करके नाश्ता कर रहे थे। अब वो कुछ पी खा पा ही रहे थे, मनपसंद की चीज़ें खा रहे थे, तभी बबलू कहता है, वहाँ पर काफ़ी रोमांटिक सा माहौल होता है, सोनाली से बबलू कहता है कि सुन सोनाली, कहती है बोलो क्या, तो कहता है कि आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सोनाली मुस्कुराती है और कहती है, अपने तुम अपनी शक्ल देखी है आईने में? तो कहता है, हाँ यार शक्ल तो मैंने देखा है, ठीक ठाक मेरा शक्ल है, शक्ल में तुम क्या दिक्कत दिख रहा है, और तुम माना तुम बहुत खूबसूरत हो, हसीन हो, पढ़ने लिखने में भी काफ़ी तेज हो तुम, लेकिन मैं भी तुमसे कोई कम थोड़ी ना हूँ, मेरी शक्ल सूरत बहुत अच्छी है। सोनाली उसकी बातों पर हंसती रहती है और कहती है, चलो अकल देखिए तुमने अपनी। तो वो कहता है, अकल में क्या रखा, केवल पढ़ाई लिखाई नहीं करता हूँ, बाकी सारी चीज़ें तुम देख ले, तेरे से तेज हो, बाकी चीज़ें तुम्हें फिल्म दिखाया, तुम यहाँ बैठी खा रही है। सोनाली कहते हैं, ये सही है, घर से झूठ बोल करके निकलो कि जा रहे हैं स्कूल, और उसके बाद तुम निकल जाओ इन सारे कामों के लिए, तुम सही कह रहे हो, काफ़ी तुम तीस मार खान जो हो। अब जो है वो पूरे काफ़ी रोमांटिक मूड में होता है बबलू। बबलू फिर कहता है कि अच्छा एक बात तो सुन, फिर कहती है क्या है बताओ, तो कहता है फिर एक किस्त तो दे दो। तो मुस्कुराती है, कहती है कि अरे यार पेप्सी की बोतल देख रहे हो, सर पे फोड़ेंगे ना तो तुम्हारे ज्यादा मजनू बन रहे हो, अरे कुछ शर्म कर लो यार, अभी पढ़ाई वढ़ाई कर लो, पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दो, ये क्या ज्यादा रोमांटिक बनने में ज्यादा मजनू बने फिरते हो। तो कहता है, यार मैं सीरियस कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल तुम्हारे लिए सीरियस हूँ। तो कहते हैं, मैं भी सीरियस हूँ, तुम पढ़ाई लिखाई काम है, इस सब पे दिमाग तो मत लगाओ, और काम टाइम देखो कितना टाइम हो गया, चलो यहाँ से उठो घर चलो, ये भी घूमना फिरना बंद करो, फाइनल 12th का एग्जाम आ रहा है, और मेरे बारे में 19 मतलब पिछले टेस्ट में केमिस्ट्री में 20 में 18 ही आए थे, सर पूछ रहे थे कहाँ ध्यान है, तो बोलकर मेरा ही ख्याल आया होगा तुम्हें। सोनाली ने कहा है, और किसका ख्याल आएगा, तुम ही तो हो जो मुझे नालायकी सिखा रहे हो। मन ही मन चार गालियां भी देती है। दोनों उसी जगह हंसते हैं, ठहाके लगाते हुए दोनों निकल जाते हैं अपने घर के लिए, दोनों घर पहुंच जाते हैं। देखते देखते 12वीं का एग्जाम हो जाता है, रिजल्ट आता है, सोनाली जो है उम्मीद के मुताबिक कई स्कूल मिला करके वो टॉप कर जाती है, और जो बबलू जो होता है वो 12th में फेल हो जाता है। अब सोनाली को लगातार बधाइयाँ मिल रही थी, अब इधर जो बबलू को जो लगातार जो है रामदयाल गालियाँ पे गालियाँ उसके पिताजी दिया करते थे, अब काफ़ी गुस्से में होते हैं उसके पिताजी। उसके बाद उसको खुशी भी थी कि चलो मित्र की जो दोस्त की लड़की जो सोनाली है वो टॉप कर गई है, चलो जो है उसको बधाई दे करके आते हैं। पति पत्नी चले गए उसको बधाई देने,
और उसके बाद जो है वहाँ मिठाई वगैरह आती है, खाया पिया जाता है, काफी मजा होता है। दीनादान कहते हैं कि अरे दोस्त बताओ बबलू कितना नंबर लाया, तो कहता है रामदेव, अरे क्या खाक नंबर लाएगा यार, वो फेल हो गया ना लाइक कहीं का, पढ़ता लिखता तो था नहीं, ये करता वो करता, इस तरह की बात है। जब सोनाली को ये बात पता चलता है कि बबलू फेल हो गया है 12th में, तो उसको काफी दुख होता है। वो चली जाती है उसके घर पे अपनी मम्मी से कह करके, जा करके बबलू सर झुकाए वहां पे बैठा होता है, वो चिंता पे कंधे पे हाथ रखती है सोनाली, तो पलट के बबलू देखता है तो कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन, तो कहती है थैंक यू। अब बैठ जाती है सोनाली उसके बगल में, कहते हैं कि क्यों तुम टेंशन ले रहे हो, अगले साल तुम पास हो जाओ, क्यों टेंशन ले रहे हो, बहुत सारे लोग इस बार फेल हुए हैं, कहीं तुम अकेले थोड़ी हो तुम। फिर जो है वहां पर जो कुछ नहीं कहता, वो कहती है जो कि सोनाली कहते हैं यार क्यों बच्चों की तरह तुम रोए जा रहे हो, आंखों में आंसू रहते हैं बबलू के, अरे क्यों बच्चों की तरह तुम लगातार रो रहे हो, मैं लिख करके देती हूँ तो अगले साल पास हो जाओगे, ठीक है तुम टेंशन नहीं लो। फिर भी वो कुछ नहीं कहता बबलू। सोनाली कहती है नहीं बोलोगे, चलो ठीक है, एक काम करोगे तुम किस करोगे, उस दिन कह रहे थे। फिर भी वो कुछ नहीं कहता है। फिर सोनाली कहते हैं कि देख लो, अगर तुम आज नहीं बोले ना कुछ, तो मैं तुमसे कभी भी नहीं बोलूंगी। अब इधर जो सोनाली से मिलने जो है, उसको बधाई देने कुछ लोग और आ जाते हैं। सोनाली पता चला बबलू जो है घर की गई है, तो बबलू के जो पिताजी होते हैं रामदयाल, वो उठते हैं, चलो उसको जाकर के मैं भेजता हूँ, तो उसको दीनानाथ जो है बिठा देते हैं, कहते हैं बैठो दोस्त तुम यार, चाय पानी पियो, अभी मैं जाता हूँ उसको बुला करके ले आता हूँ सोनाली को। अब वहां से सोनाली के पिता चल रहे हैं सोनाली को बुलाने के लिए। अब सोनाली बबलू को रिझाने के लिए मनाने के लिए लगी होती है, उसके बाद कहते हैं कि देख लो तुम, मैं कभी नहीं तुमसे बात करूंगी, अगर तुम आज से मुझसे बात नहीं किया, ये वो सारी बातें कहती है। फिर वो चेहरा उठाता है बबलू अपना और आंसू पोंछती है। सोनाली कहती है क्यों टेंशन लेते हो तुम, और तुम इस तरह से जो लगातार बोल रही थी करोगे, तो कहता है बबलू कहता है हाँ, तो कहता है ठीक है, जो खूबसूरत गाल है उसके तरफ बढ़ा देती है सोनाली। उसके बाद कहती है तुम करो। फिर जो है साथियों, वो जो उसके तरफ जो बढ़ता है, दोनों आंखें बंद करते हैं और धड़कने तेज होती है दोनों की। उस दौरान जो जैसे ही अभी वो टच भी नहीं किया था गालों को होठ, ठीक वैसे ही दीनानाथ वहां पे सोनाली के पिताजी आ जाते हैं। जब दोनों को इस पोजीशन में दीनानाथ देखते हैं, तो उसका पारा गर्म हो जाता है, जोर से डांटते पटकारते चिल्लाते हैं क्या कर रहा है तुम लोग ये। दोस्तों ये दोनों अपने अपने जगह पे उठ के खड़े हो जाते हैं, डर के मारे सहमे रहते हैं। उसके बाद बबलू को काफी उल्टा सीधा सुनाते हैं दीनानाथ कि तुम शर्म कर रहे थे, आज के दिन फेल हो गया, तुमको जरा भी इस बात की अफसोस नहीं है, और चुल भर पानी में तुम डूब करके मर जाओ, अपने जीवन बर्बाद ही कर रखा है। सोनाली को भी यही सब सिखा रहा है, यही सब तू करता रहता है, पता नहीं तुम मेरे दोस्त के जीवन में आ गया, कौन सा तपस्या किया था उसने, मतलब काफी तरह के फटकार लगाते हैं नालायक कहीं का, जो सो सुनाते हैं। उसके बाद सोनाली को लेकर के वहां से चले जाते हैं अपने घर पे। वो दीनानाथ लेके चल, सभी लोग व्यस्त होते हैं वहां पे, मौका पा करके जो है जो दीनानाथ होते हैं वो रामदयाल से सारी बातें कह देते हैं। अब रामदयाल जो है अपने घर आते हैं, और आते ही उसकी काफी बबलू की पिटाई कर देते। उसके बाद वो कहते हैं दफा हो जाओ मेरी नजरों से, कभी भी तुम अपनी शकल मुझे मत दिखाना। अब साथियों उसी समय वो निकल जाता है बबलू, कभी फिर वापस वो आता है, एक झोला ले लेता है अपने, कुछ कपड़े झोले में डाल लेता है, और छुपके से वो निकल जाता है मुंबई। मुंबई आकर के दर दर के ठोकरे खाते रहता है, इधर उधर काम ढूंढता है, किसी भी तरीके से अपना पेट पालता है, गुजारा करता है वो। उसके बाद भटकते भटकते जो है कुछ सालों के बाद आजीवली गांव के भीतर एक रूम होता है, उस रूम में जाकर के वो रहने लगता है, उसे रूम मिल जाती है रहने लगता है। वहीं रह करके इधर उधर दहरी मजदूर का काम किया करता था। इधर सोनाली तरक्की पे तरक्की करती जाती है, 12th के बाद वो भी मुंबई चली जाती है, वहां पे पढ़ाई की, वो उसके बाद मशहूर डॉक्टर बन जाती है। डॉक्टर बनने के बाद जो है वो अपना अस्पताल खोलने के लिए बना रही थी, जहाँ पे बबलू पिछले 3 दिनों से संयोग से वहां पे मजदूरी करने के लिए आता है। अब यही सब सोचते हुए मजदूर बबलू की आंख से आंसू गिरते नहीं लगते, तभी कोई दरवाजा खटखटा देता है। अभी दो बार खटखटाता दरवाजा, उसको सुनाई नहीं पड़ता, लेकिन जब जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है, तो वो चौंक करके दरवाजे की तरफ देखता है, फ्लैशबैक से वापस लौटता है, जाकर के दरवाजा खोलता है। जैसे कुंडी दरवाजा का खोलता है, डॉक्टर सोनाली छाता लेकर के खड़ी होती है, हल्की हल्की बारिश हो रही होती है। सोनाली को देखते ही बबलू जो है नाटक करने लगता है, कहता है कि आप कौन है, तो कहते हैं कि अंदर चलो मैं बताती हूँ तुमको मैं कौन हूँ। जब कमरे में दोनों चले जाते हैं, बबलू चटाई पे बैठा होता है जहाँ पे वो पहले से बैठा होता था, सोनाली उसके बगल में बैठ जाती है, डॉक्टर सोनाली। उसके बाद चारों तरफ और नजर देते हैं, कमरे में कुछ खास नहीं होता है, एक दो डब्बा था छोटा सा, एक बक्सा होता है, चार झोला होता है, दो चार कुछ बर्तन होता है, स्टोव होता है, यही सारी चीज थे। तो उन्हें चारों तरफ नजर दौड़ा करके जो है बबलू के ऊपर जब
नजर डाला तो बाबलू सर झुका एकदम, जैसे जमीन में धसा जा रहा था शर्म के मारे। करे तो क्या करे, बोले तो फिर क्या बोले, उसको देखे तो फिर किस नजर से देखे। डॉक्टर सोनाली जो है उसकी हालात को देखते हैं, उसको नब्ज हाथ पकड़ती है तो उसको बुखार होता है, उसको हाथों को अपने हाथ में लेते हुए पूछती है कि कैसे हो बबलू, 12 साल हो गए तुमको घर से निकले हुए, तुमने एक बार भी तुम्हें ख्याल नहीं आया कि हम लोग कैसे हैं वहां पे, तुम्हारे माता पिता कैसे हैं, मैं कैसी हूँ वहां पे, तुम्हारा गांव कैसा है, सब कुछ कैसा है, तुमको जरा सा भी नहीं अफसोस हुआ इसी के लिए, जरा भी ख्याल नहीं आया। सोनाली बोली तुम कितने भी नालायक थे लेकिन तुम दो परिवारों की उम्मीद थे, मेरे तुम दोस्त थे, अच्छे दोस्त थे, लेकिन तुम इस हालत में यहाँ पे पड़े हुए हो, तुमको अगर कुछ हो जाता तुम मर जाते, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां होती है, कोरोना आया था। मुझे बबलू कुछ भी नहीं कह रहा है तो सोनाली कहती झिझोड़ते हुए बोलती है कि तुम ही से बात कर रही हूँ, बोलो बबलू, लेकिन बबलू फिर भी कुछ नहीं बोल रहा होता। अब कहती है कि तुम नालायक थे, नालायक हो और नालायक ही रहोगे, तब भी बबलू कुछ भी नहीं कहता, वो भी अपने सर झुकाए रोता रहता था। तभी सोनाली कहती कि माँ बाप के बारे में तुम नहीं पूछोगे। अब जो बबलू जो है अपना सर उठाता है और सोनाली की तरफ देख करके पूछ, मतलब ऐसे देखने लगता है जैसे कि वो सोनाली कुछ बोले उसके हालचाल के बारे में। तो सोनाली कहती है दोनों तुम्हारे माँ बाप दोनों इस दुनिया में अब नहीं है। अब इतना सुनते भर बबलू जो होता है खूब चीख चीख करके रोने लगता है। सोनाली उसका सर अपने कंधे पर रख लेती है, उसको संभालती है। जब काफी जोर जोर से वो चीख चिल्ला करके रोने लगता है तो सोनाली कहती है चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें लेने आऊंगी। बबलू कहता है मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं किसी के लायक नहीं हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं मर क्यों नहीं जाऊंगा, क्यों नहीं गया, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा, यहीं मर जाऊंगा। बबलू काफी रोते रहता है, सोनाली भी रोने लगती है। आसपास के कुछ लोग होते हैं जो आवाज सुन करके वो लोग भी आ जाते हैं, दरवाजे को धक्का देते हैं तो सब कुछ दिखता है यहाँ पे। तो सारे लोगों में से एक महिला निकल करके आती है, उसके जो बबलू के जो पड़ोसन होती है वो कहते हैं कि यार बेटिया तुम हो, तुम आ गई, ये जो फोटो रखा हुआ है ये बक्से में, ये अपने माँ बाप का भी फोटो रखे हुआ है, हमेशा यही कहता था किसी दिन आंटी मैं बहुत बड़ा आदमी हो जाऊंगा तो जाऊंगा इससे शादी करूंगा, इस तरह की बातें किया करता था। लेकिन किस्मत खराब है कि अक्सर ये बीमार ही रहता है, इधर उधर काम करता है, काफी सीधा साधा है। हमको किसने बारे इसको कहा कि घर तुम चले जाओ, गाँव चले जाओ, लेकिन कभी ये गया नहीं, कभी किसी को कुछ बताया नहीं कि इसका गाँव कहाँ है। और कोरोना के भीतर कितने लोग मर गए और कितने लोग भाग के चले गए, लेकिन ये यहीं पर रह गया। किसी तरह से हम लोगों ने इसको खिलाया पिलाया कोरोना काल में, लेकिन बेटा तुम अगर आ गई हो तो अब बताओ कौन है ये, कैसे है और कैसे यहाँ आया और कैसे कहाँ रहता था ये, बताओ कैसे इसको तुमने ढूंढा, कहाँ इसका गांव है, क्या कुछ है। तभी एक जो मजदूर जो उसका पता बताया रहता है, बबलू का पड़ोसी जो होता है, सोनाली जो है जब छुप जाता तो उससे पूछ लेती है, वो बता देता है कि फलाना जगह वो रहता है। उसी की मदद से सोनाली वहां पर पहुंची हुई होती है। लोबर साहब को कहता है कि बहुत बड़ी डॉक्टर है, इनका अस्पताल बन रहा है और बचपन का साथ ये लोग दोस्त हैं। और जब लेबर ने ये बात कहा बहुत बड़ी डॉक्टर हैं, ऐसे ऐसे अस्पताल ही बनवा रहे हैं अपना, उनकी बहुत अच्छी पढ़ी लिखी हैं, तो सब लोग हैरान होते हैं। फिर जाकर के एक महिला जो है सबको वहां से साइड करती है, जाती है उन दोनों को संभालती है। उसके बाद सोनाली से कहती है कि बेटिया तुमसे ये बहुत प्यार करता है। तो कहती है सिर्फ यही प्यार करता है, अगर प्यार करता होता तो इस जगह पे आकर के रहता हम लोग को छोड़ करके, अगर मैं इसको ले जाने के लिए आया हूँ तो भी ये जाने के लिए यहाँ से तैयार नहीं है। तो महिला कहती है कि जाएगा कैसे नहीं, हम लोग लेकर के चलेंगे तुम्हारे साथ, कहाँ रहते हो बेटा आप। तो वासी में रहा करती थी एक बिल्डिंग के भीतर, वो बताती है कि मैं वहां पर रहती हूँ। तो ठीक है मैं इसको लेकर के वहां चलती हूँ तुम्हारे साथ। फिर सब लोगों ने उन दोनों को उठाया, बबलू को, सोनाली को, उसके बक्से वगैरह लिए, कपड़े वगैरह लिए, उसका जो एक जो झोला होता है वो सारे को लेते हैं और सारे लोग जो है वहां जाते हैं। चूंकि वहां पे उसके कार नहीं आ सकती थी सोनाली की, तो दूर खड़ा करके सोनाली अपने लेबर को बिठा करके कार में, और सोनाली जो वहां तक पहुंची हुई होती है, उसके बाद वहां पे जाते हैं, बबलू के गाड़ी में बिठाते हैं। दो महिलाएं भी उसके साथ बैठ जाती है। डॉक्टर सोनाली जो है गाड़ी को चलाती हुई ड्राइव करते हुए एक घंटे बाद वासी पहुंच जाते हैं। लोग चारों लोग सोना सातवीं मंजिल पे एक लिफ्ट के सहारे जाते हैं सातवीं मंजिल पे। सोनाली बेल बजाती है तो लड़की एक जो खाना बनाने के लिए एक लड़की होती है, दरवाजा खोलती है तो सोनाली उससे कहती है कि अंकल आंटी खाना खाए। तो कहते हैं नहीं, आपका वेट कर रहे थे, और वेट करते करते दोनों लोग सो गए। अब दरवाजा खोलती है तो देखती है कि दोनों लोग सो रहे थे। बबलू उन पर नजर जब डालता है तो सोनाली जब दरवाजा खोलती है तो अंकल आंटी सो रहे होते हैं। अब जब बबलू उनको देखता है एकदम से हैरान हो जाता है, वो उसके ही माँ बाप होते हैं, यानी बबलू के माता पिता होते हैं। फिर रोते हुए सोनाली से कहता है तुम तो कह रहे थे कि मेरे माँ बाप नहीं है। अब कह रहे थे तुम्हारे माँ बाप हैं, मेरे माँ बाप नहीं है।
कोरोना में दोनों का डेथ हो गया। अगर अंकल आंटी नहीं होते तो मैं बेसहारा हो जाती, तुम तो थे भी नहीं। अब साथियों इतना कहते हुए सोनाली काफी रोने लगती है और जो बबलू होता है वो सोनाली को अपने गले से लगा लेता, कहता है तुम बहुत एहसान किया तुमने मुझ पर। जब दोनों जो महिलाएं होती हैं उन सबको संभालती है, बैठते हैं सारे के सारे लोग, इतने में लड़की जाती है बबलू के माँ बाप को जगाती है, वो लोग भी आते हैं और सारे लोग बहुत ही वहाँ पे इमोशनल वो समय होता है। सारे लोग बैठ करके साथ में खाना वाना खाते हैं, सारी रात है जो दोनों महिलाएं भी वहीं ठहर जाती है, सारी रात जो है सारे लोग बातें करते हैं। और साथियों इस तरीके से 14 अगस्त 2023 की वो रातें बीत जाती है। तो ये कहानी थी सोनाली के माता पिता अगर जीवित होते तो कितना अच्छा लगता, लेकिन किस्मत को कौन टाल सकता है। ये घटना आपको कैसी लगी, कहानी कैसा, अगर बढ़िया लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।